हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे इन एल्डन रिंग। सो लास्ट एपिसोड में अपन ने फिया का क्वेस्ट कंप्लीट किया। उसका क्वेस्ट जो था, गॉडविन जो सबसे पहला डेमीगॉड जिसको मार देते हैं ब्लैक नाइफ असैसिन्स, एंड अपन को एल्डन रिंग की इंट्रो में इसके बारे में दिखाया गया था, उससे रिलेटेड है। एंड दूसरे एनपीसी जो उसके क्वेस्ट में आते हैं वो है रोजियर एंड डी, एंड फिर उसका डी का भाई भी थोड़ा सा है। उसके क्वेस्ट में दो बॉस फाइट्स थे जो अपने किया। एक तो फियास चैंपियंस थे जो काइंड ऑफ नॉर्मल एनिमीज एनपीसीज थे, लेकिन तीन चार अलग अलग थे। एंड उसके अलावा एक ड्रैगन ड्रैगन 46, उसका नाम एग्जैक्टली पता नहीं, 46 एंड समथिंग और था, एंशियंट ड्रैगन 46 ऐसा कुछ तो था। तो वो वाला ड्रैगन एक्चुअली अभी तक जितने भी दूसरे ड्रैगन बॉस फाइट्स हुए इससे थोड़ा अलग था, क्योंकि आई थिंक ये फोर विंग्ड ड्रैगन था। यूजुअली जो दूसरे ड्रैगन से अपन देखते हैं वो टू विंग ड्रैगन था। एंड उसके अलावा इसके जो अटैक्स थे, भाई अगर तुमने ट्रेलर में देखा होगा एल्डन रिंग का, तो तुमने उसमें एक ड्रैगन को देखा होगा जो एक बड़ा सा लाइटनिंग बोल्ट वगैरह मारता है। विजुअली बहुत बढ़िया था। टफनेस में उतना ज़्यादा नहीं है बोलूँगा, क्योंकि अपना तीन अटेम्प्ट में हो गया था, दो तीन अटेम्प्ट में। इसके अलावा अपने केलेड का जो डिवाइन टावर था वो कम्प्लीट किया था। एंड बेसिकली डिवाइन टावर के ऊपर जाके जो पावर लेनी होती है रडान का रिंग एक्टिवेट करने के लिए, शार्ड एक्टिवेट करने के लिए, वो अपन पहले ही कर चुके थे। बट वो टावर के नीचे की तरफ एक बॉस फाइट अवेलेबल है जिसको हराने के बाद तुम्हें एक लेजेंडरी वेपन मिलता है, गॉड स्लेयर सॉर्ड ऐसा समथिंग। एंड जो बॉस है उसका नाम गॉड स्किन अपोस्टल ऐसा कुछ था। तो ये काइंड ऑफ सबसे वन ऑफ द यूनिक एनिमीज था, क्योंकि वो खुद के बॉडी को स्ट्रेच वगैरह कर रहा था जैसे मिस्टर फंटेस्टिक करते हैं मार्वल का वैसा। एंड उसके वेपन का जो डैमेज था वो भी सफिशेंटली हाई था, ब्लैक फ्लेम्स वगैरह यूज़ कर रहा था, ब्लैक फ्लेम जो है। एंड जो वेपन उसके बाद मिलता है उसे हराने के बाद जो चेस्ट से वेपन मिलता है वो भी ब्लैक फ्लेम्स ही यूज़ करते हैं। फेथ स्ट्रेंथ वेपन है वो एक, तो मैं तो यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन इट सीम्स लाइक अ कूल वेपन। अगर मैं फेथ स्केलिंग करूँगा तो डेफिनेटली यूज़ करके देखूँगा उसको। बाकी आज के एपिसोड में मैंने बताया था मैं एटलस प्लेटू जाने वाला है। एटलस प्लेटू जाने का दो तरीका है, या तो तुम डायरेक्ट लिफ्ट से जा सकते हो जो कि ज़्यादा इजी तरीका है, बट यहाँ तक पहुँचने का रूट जो है वो ज़्यादा लंबा है। तुम्हें दो मेडेलियन के टुकड़े चाहिए, जो तुम्हें केलेड में मिलता है, दूसरा लिमग्रेम में मिलता है। एंड गेम तुम्हारी मदद कुछ नहीं करता है कि ये किधर है, तो तुम रैंडमली एक्सप्लोर करोगे तभी मिलता है। एंड दूसरा फिर या ये विलेज रेवाइन वेल विलेज से तुम होते हुए जा सकते हो, बट ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एनिमीज एंड मे बी बॉस फाइट हो सकता है उधर एंड में, तो वो अपन देखेंगे। बाकी इधर जाके अपना पहला एम होगा आसपास के जो सेव पॉइंट्स है वो, एंड ये मैप फ्रैगमेंट उठाने का। दो मैप फ्रैगमेंट कुछ ऑलरेडी दिख रहे हैं। एंड मैंने कटाना पे वॉर आर्ट बदल लिया है, तो काफ़ी टाइम तक अपन जो एश ऑफ वॉर कटाना पे यूज़ कर रहे थे ब्लड स्लैश यूज़ कर रहे थे, अभी मैंने फायर वाला लगा लिया। अब फायर करते हैं, इसका एक फॉलो अप अटैक भी है। ये फॉलो अप अटैक जो है ये अपने ब्लेड को भी फायर इम्यून कर देता है। इसे देख के मुझे सेकीरो में एक फायर वाली एबिलिटी थी, काफ़ी इसका एनिमेशन मुझे वैसे ही लग रहा है। ऑब्वियसली थोड़ा स्लो है, ये सेकीरो नहीं है तो एनिमेशन थोड़ा स्लो है। जाने का कोई तरीका है क्या? ये सीढ़ी है। ऑल्दो लास्ट एपिसोड में जो दो बॉस फाइट किए थे ड्रैगन एंड गॉड स्किल अपोस्टल, मुझे लग रहा है अगर मैं कटाना यूज करता तो ज्यादा टफ पड़ता। अपन जो भी रिसेंटली अपन ने रूइंस ग्रेट सॉर्ड पे स्विच किया जो खुद में एक लेजेंडरी वेपन है, एंड मैं बोलूंगा इन जनरल वो कॉलोसल वेपन बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इसके मूव सेट्स प्रीटी सिंपल है, बट उसका जो वो एश ऑफ वॉर वो इतना बढ़िया है, मतलब मज़ा आ जाएगा तुम्हें। अगर तुम एक स्ट्रेंथ बिल्ड बना रहे तो पक्का डेफिनेटली वो यूज़ करो। चार्ज का स्टार्स कोच रडान का जो सॉर्ड है वो भी बहुत बढ़िया है। उससे भी उस पर भी हमने आई थिंक नॉक्सटेला एंड नॉक्रॉन अंडरग्राउंड रीजन जो है पूरा उसी सॉर्ड से निकाला है। अभी ये दोनों लेवल 9 पे है, जब लेवल 10 का रूइन मिलेगा देखते हैं। मुझे लग रहा है मैं रूइन्स ग्रेट सॉर्ड को तो अपग्रेड करूंगा ही, रडान का देखते हैं। रडान का स्पेशल एबिलिटी इतनी खास नहीं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है ये वाला है, वो डैमेज थोड़ा। अगर कटाना से मारू ना इनको तो कटाना बाउंस बैक कर जाता है। तो मैंने ये कोलोसल सॉर्ड नहीं, मैं एक नॉर्मल केव एक्सपेक्ट कर रहा था, बट यह तो सीढ़ियों पे सीढ़ियां दिए जा रहे हैं।
किसको एम्बुश करने बैठे हैं, दिख नहीं रहे थे कि बाजू बाजू में उनके फ्रेंड्स को मार रहा हूँ मैं। पॉइजन शार्ड ये दिख रहा है जमीन पे काटे टाइप का, पॉइजन कर रहा है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पर स्टेप अप ना करूँ। माइंड अप काफी ज्यादा नहीं थी इसके अटैक का, मुझे लगा अभी मारेगा अभी मारेगा, अभी टाइम लगा है उसने अटैक करने। द लास्ट एपिसोड में जेलीफिश शील्ड का भी लोकेशन बता दिया कि वो एक ग्रेट शील्ड है जिसका वेट काफी कम है, आरटी है, ये जो मीडियम शील्ड है इसका वेट 7 है एंड वो दिखने में भी यूजुअली बहुत सही है, ट्रांसपेरेंट शील्ड है, मैंने देखा है काफी यूट्यूबर्स उसे यूज कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें उसका लोकेशन चाहिए तो लास्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया था, तो तुम्हें लुर्निया जो सेकेंड एरिया है वहाँ पे बेलफ्री टावर्स से जस्ट पहले जो तुम्हारा ग्रेस होता है अब वहाँ पे कहीं पे मिलता है उधर, ये इसकी बात कर रहा था। देखा मेरा वेपन बाउंस बैक हो रहा है, मैं ग्रेट सॉर्ड यूज़ कर रहा था। तो उस लोकेशन पे बेलफ्री टावर्स के पास कुछ तुम्हें जेलीफिश दिखेंगे जो रेड कलर्स में, उनको मिस करना थोड़ा टफ है क्योंकि जेलीफिश एक तो बल्की बल्की होते हैं एंड रेड कलर्स में, तो एंड उनके पास फिर उनके पास ज़मीन पे ही पड़ा होता है, यू कैन ईजिली गेट दैट हॉर्स बैक पे बैठ के। दोनों को पड़ गया लोल इंस्टो और वगैरह, मुझे स्मिथिंग स्टोन 8 चाहिए अपना कटाना अपग्रेड करने के। अलग क्यों लग रहा है ये एनिमी, तेरे चुल्लू बुल्लू कहां से आ गई है, और है और है। तो रानी का जब अपन क्वेस्ट कर रहे थे नौकरॉन नॉक्सटेला, मुझे बीच बीच में ऐसा लगा कि कहीं कहीं पे कि अपने लेवल के हिसाब से थोड़ा सा टफ है, स्पेशली रॉट लेक वाला एरिया एंड जो अपन दूसरा कौन सा था लास्ट एपिसोड में जो अपन ने किया था वो बॉस के डैमेज वगैरह के हिसाब से मुझे लग रहा था ये थोड़ा बाद वाला एरिया होना चाहिए, अपन उसे ऑलरेडी पहले कर लिया तो हो सकता है ये वाला एरिया थोड़ा अपन को ईजी लगे। ये क्या था, नहीं चलो स्मिथिंग स्टोन तो दिया लेकिन लास्ट बट रुइन नाम कुछ अजीब सा है आके ग्रेस का, कितना ऊपर की तरफ आ चुके शायद रुइन स्ट्रोन प्रेसिपाइस। और ऊपर जा रहे अपन ऐसे बट रेस्ट कर लेता हूँ फिर, ये लोग जितना रुइंस ड्रॉप कर रहे हैं एनिमीज मैं बता सकता हूँ कि ये मतलब अगर ये एरिया अपन वो रानी के मिशन से पहले भी करते हैं ना तो भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हो। ड्रैगन अराउंड 90,000 रुइंस ड्रॉप करता है, वो जो गॉड्स स्किन अपोस्टल था वो भी आई थिंक 50-50 के आसपास करता है, 50 या उससे ज़्यादा करता है। उनको डैमेज बाय डिफॉल्ट कम होता है, तुम देख रहे हो ये जो वेपन है मेरा ये 800 डैमेज करता है जबकि इनको 200-145, तो जो तुम्हारे 400 वाले वेपन से वो तो और कम डैमेज करेंगे, इसे कटाना वटाना होगा।
कोई सेकंड फॉलोअप अटैक की जरूरत थी नहीं वैसे। नीचे वहां से अपन आते तो ये था। यहाँ पे क्या है? अभी कम बार होता है कि कोई ऐसा लोकेशन बिना किसी रीजन के ये फ्रॉम सॉफ्ट के गेम में बना हो, क्योंकि इनको पता है कि एक्सप्लोरेशन को करेक्टली रिवॉर्ड कैसे करना है। एंड चांसेस है कि तुम अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। कभी कभी वो अच्छा निकलता है, कभी कभी वो बुरा निकलता है। मतलब बुरा मतलब इन द सेंस उतना यूजफुल नहीं होगा तुम्हारे, डिपेंडिंग ऑन योर बिल्ड, बट या 90% टाइम्स कुछ ना कुछ तो तुम्हें लूट मिलती है। एक किसी बैट के गाने की आवाज़ आ रहे है, वो जो स्पेशल स्पेशल बैट्स होते हैं ना जो पॉइजन करते हैं। इधर शायद आगे जाने का रास्ता है, यहाँ पे क्या है? ऊपर से आवाज आ रही है। अच्छा ये जो सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना छोटा सा स्टोन का, ये मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, इसका यूज वगैरह पता नहीं। अभी रिसेंटली किसी प्लेयर ने डिस्कवर किया एंड उसने कम्युनिटी वगैरह पे डाला कि इसका यूज क्या है वगैरह। एंड फाइनली जो पता चल के आ रहा है वो ये है कि तुम जो एशेस समन करते हो स्पिरिट्स, तो उसके रेडियस के अंदर होना चाहिए। लेकिन ऑल दो अपने स्क्रीन में ऑलरेडी ये दिखता है सिंबल, लेफ्ट में तुम्हें सिंबल दिख रहा हूँ यानी कि मैं यहाँ पे एशेस समन कर सकता हूँ, तो फिर वो छोटे वाले उसको कोई चेक ही नहीं करता। काइंड ऑफ मुझे लग रहा है वो गेम मैकेनिक्स या फिर मुझे लग रहा है वो जो चीज़ लगाई है ना वो लगा के उन्होंने एक रेडियस टाइप का ड्रॉ किया होगा कि ये रेडियस के अंदर तुम समन कर सकते हो ऐसा कुछ। फसड़ बच गई थी उधर। तुमने नोटिस किया होगा मैं ऑलरेडी तीन चार बार यूज कर चुका हूँ इसको, ये एश ऑफ वॉर को, लेकिन ये उतना कुछ लेता नहीं है। मतलब सिर्फ आग फेंकने के लिए चार ये लेता है FP, एंड अगर उसके साथ मैं फॉलो अप करूंगा तो टोटल 10 लेता है। इसमें मेरे फिर ब्लेड में आग लग जाती है थोड़ी देर तक के लिए, ताकि काइंड ऑफ वर्थ इट है। ऊपर से मैंने एक कटाना फिर लगाने के लिए इसलिए प्रेफर किया है। क्योंकि कटाना पे ऑलरेडी ब्लड लॉस बिल्डअप है तुमको पता होगा, तो उसके साथ अगर मैं फायर बिल्डअप भी कर पाया जो थोड़ा सा टफ होगा बट वी कैन ट्राई, काइंड ऑफ दो स्टेटस इफेक्ट अपन डाल सकते हैं एनिमी पे। और तो मुझे 8 की जरूरत है, वैसे काफी टाइम तक स्मिथिंग स्टोन 5 की जरूरत थी बट वो हो गया, अभी 8 की जरूरत है। कटारा भी लेवल 22 पे, लेवल 25 तक ले जाने के लिए 8 9 एंड 10 चाहिए। फिर लिफ्ट है क्या? तो फिर ये रास्ता किधर जा रहा है? ऐसा लग रहा है लिटरली किसी को बुलाया है और अलग से ये सॉन्ग बनवाया है वो जो बैट गा रहा है ना। ये नहीं, बड़े वाले को देखना। अरे
बड़े वाले की तरफ अटैक करना चाहता हूँ, बट and got scout sword flash spears standard. Okay, there serpent got scout sword tha na era strength and dex normally curved sword hai. Ek astral wing of astral curved sword mila tha apan ko noxtella nahi matlab noxtella mein jaane se pehle ek chhota sa area hai jahan pe अपन ने वो विंग कौन सा था ड्रैगन किन सोल्जर वगैरह का फाइट किया था, तो वही लोकेशन पे ही है. अपन ने अभी कुछ एपिसोड्स पहले इसको किया था एंड दिस इज काफ़ी मतलब मैं बोलूँगा इंटरेस्टिंग वेपन, क्योंकि इसका एक जब तुम इस पर इंटेल बिल्ड या फेथ है पता नहीं कौन सा है, शायद इंटेलिजेंस है. हाँ इंटेलिजेंस 20 है, तो इसके स्पेशल अटैक है ही एक अलग से, बट उसके अलावा इसका जो हैवी अटैक है ये देखो, दिस इज जस्ट द हैवी अटैक. ये लाइट अटैक आई थिंक जो लोग इंटेलिजेंस के मेजेस जो बना रहे हैं ना मेज बिल्ड के लिए, लेकिन थोड़ा सा उन्हें काइंड ऑफ एक वेपन भी चाहिए स्विंग करने के लिए, डेक्स में थोड़े से पॉइंट डाले तो ये एक अच्छा चॉइस हो सकता है, एंड थोड़ा सा फैंसी वेपन भी चाहिए होगा तो काफ़ी बढ़िया. आई थिंक उसका जो स्पेशल एबिलिटी है उसमें वो सॉर्ड से कुछ ऐसा आर्क टाइप का अटैक सामने की तरफ फेंकता है, तो डिस्क्रिप्शन पढ़ा था उस हिसाब से काइंड ऑफ. अगर आपने ग्रेट मून या नहीं डार्क मून सॉर्ड की एबिलिटी देखी होगी तो ऑलमोस्ट उसी टाइप की. ऑलरेडी पॉइजन्ड हो चुके सामने कौन सा. अच्छा वो डेक्टस लिफ्ट है वो जो अपन को लेना है ना, सामने जो देख रहा है ग्रैंड लिफ्ट ऑफ डेक्टस. यप अभी बन जाएंगे, पहले मैं ये जो थोड़ा हार्ड तरीका है यहाँ से पहले पार करना चाहता हूँ. क्या सीन, मैं सोच रहा था कि इसको यूज़ ना करूँ क्योंकि इसको बनाने के लिए जो आइटम्स हैं वो मेरे पास ज़्यादा है नहीं, तो मैं क्राफ्टिंग आइटम्स जो है ना जो पॉइजन बिल्डअप रोकते हैं रॉड बिल्डअप रोकते हैं उनके क्राफ्टिंग आइटम्स मिसिंग है. आगे ऐसे कोई लोकेशन है जहाँ पे एब्सोल्युटली मुझे वो चाहिए वो बढ़िया. चलो जैसे कि मेरे पास अभी रॉड बिल्डअप रोकने वाला जो है वो एक ही पड़ा है एंड मैं उसे और बना भी नहीं सकता. क्या बोलते हैं प्रिजर्विंग बोलूसेस न्यूट्रलाइजिंग बोलूसेस स्टांसिंग बोलूसेस जो ये अपना ब्लड लॉस बिल्डअप रोकता है, ये अपना स्लीप मैंने अभी तक देखा नहीं. वैसे अपने पास एक वेपन है जो स्लीप इम्ब्यून देता है एंड दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द यूनिक वेपन्स जो गेम में ज़्यादा यूनिक कैटेगरी में आता है. सेंट ट्रीना सॉर्ड समथिंग ये रहा सॉर्ड ऑफ सेंट ट्रीना, इसके लिए इंटेलिजेंस 14 चाहिए जो मेरे पास है ऑलरेडी. कॉसेस स्लीप बिल्डअप 66 वर्क्स वेरी गुड अगेंस्ट नॉर्मल एनिमीज.
नॉर्मल एनिमीज पे दो तीन बार अटैक करने के बाद वो लोग सो जाते हैं, देन यू कैन गेट अ फ्री क्रिटिकल हिट. ऑब्वियसली इट डज नॉट वर्क्स ऑन बॉस. ओह बॉस फाइट पहुंच गए क्या अपन? चलो कैसा बोल यार, पीछे कुछ छूटा नहीं है ना राइट लेफ्ट में. पर फॉर सम रीजन मुझे ये गाना बहुत सही लगता है, ये जो बैट गाते. जब पहली बार मैं ये बैट से मिला था ऐसे, वैसे मुझे लगा था ये एनपीसी और मैं लिटरली बात करने चले गया था. टच द गोल्डन एलिसेंट ब्लैक गार्ड. ये बंदा को नहीं जानता मैं, बट मैं मेलिसेंट को एक बार समन करना चाहता हूँ. ये कभी कभी ना मतलब जब तुम किसी एनपीसी को समन करते हो वो उसके मिशन से रिलेटेड होता है वो बॉस फाइट कभी कभी, एंड उसे हराने के लिए मे बी वो एनपीसी तुम्हें कुछ रिवॉर्ड करे या कुछ ऐसा दे सकता है. तो मुझे लग रहा है क्योंकि ये एरिया के एनिमीज के हिसाब से तो मुझे लग रहा है ये बॉस उतना कुछ टफ होगा नहीं, बट इन्होंने तीन तीन समन दे के रखे. वेट ऑन टारगोट, ये बंदा उधर भी था, रडान की इसमें भी था. अपन बस सिर्फ मेलिसन को समन करते हैं. बाकी तीन बंदों की तो मुझे नहीं लग रहा जरूरत होगी, देखते हैं बॉस कौन सा है पहले. हेलो हो 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 अपन जानते हैं इसको. वो मैग्मा में दखल दिया साले ने. रन हो गया था लास्ट में. मैग्मा वर्म स्केल सॉर्ड, ओके सीम्स लाइक अ स्ट्रेंथ वेपन, देखते हैं. यूज नहीं कर सकते क्यों? अरे 18 फेथ चाहिए. कर्व्ड ग्रेट सॉर्ड, हाँ अरे ये सॉर्ड मैंने देख रखा है. इसका भी एश ऑफ वॉर बहुत बढ़िया है. मैग्मा गुलिटोन गुलोटीन, ये जो है ना गुलोटीन, ये जो अटैक है ये काइंड ऑफ, ये तुमने देखा होगा लिजार्ड जैसे मैग्मा फेंक रहा था ना अपने सामने, वैसे ही तुम एक स्लैम मारते हो स्लॉट से एंड उधर आसपास मैग्मा गिर जाता है. तो एनिमीज अगर उसके ऊपर स्टेप करते हैं तो उन पे डैमेज होता है. ग्रैब द स्केल विद बोथ हैंड्स एज वर्म वुड होल्ड इट इन इट्स माउथ एंड लीप फॉरवर्ड स्मैशिंग इट इन टू द ग्राउंड एंड ट्रिगरिंग अ ब्लास्ट फ्रॉम मैग्मा फॉलोड विद एन एडिशनल इनपुट टू परफॉर्म अ चॉपिंग अटैक. आउट ग्रेस फ्रॉम मैग्मा शिप, ओके इट्स सेड दैट द These land-bound dragons were once human heroes who partook in the dragon communion. अच्छा land-bound dragon इसलिए क्योंकि इनके wings नहीं है. A grave transgression for which they were forced to crawl the earth upon their bellies. Shadows of their former selves. अच्छा land-bound dragon human hero humans heroes who partook in dragon humans heroes. तो मुझे लग रहा है humans के साइड से मे भी लगा, ड्रैगन कम्युनियन पता नहीं क्या है, लेकिन वो क्योंकि वो लोग ह्यूमन के साइड से मे भी ड्रैगन्स के अगेंस्ट लड़े होंगे तो उसलिए उन्हें कर्ज दे दिया गया ये लोग जिंदगी भर ऐसे मतलब चिपकली की तरह रहेंगे. सो दैट एक्सप्लेन्स कि ये लोग ज़्यादा अपना सेलेमेंडर्स की तरह क्यों देखते हैं, ड्रैगन की तरह कम क्यों देखते हैं, काइंड ऑफ एक कर्ज है. बाकी मुझे नहीं लगा अगर मेलिसेंट को अपन समन नहीं भी करते तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता. अगर तुम यहाँ पे जल्दी आते हो, जो मुझे लग रहा है कि तुम एक्चुअली काफ़ी जल्दी यहाँ पे आ सकते हो, जैसे लिम ग्रेव पार कर लिया उसके बाद
लुर्निया लुकारी एकेडमी वगैरह कर लिया पार, एंड केलिड जाने से पहले यहाँ पे तुम आ सकते हो। तो फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़े, कि ऐसा मेरे साथ पहले भी एक बार हो चुका है कि मैं ये जो ग्रेस पॉइंट है ना ये उठा नहीं पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न। काम करता हूँ जस्ट बॉस फाइट के बाहर जो ग्रेस था उस पर एक बार रेस्ट करके वापस आता हूँ, देखते हैं ट्रिगर होता है कि नहीं। ऐसे एक बार तुम्हें याद होगा जब अपन ने मिमिक वाला बॉस फाइट किया था, लिटरली मैं जो अभी एश ये यूज़ कर रहा हूँ, क्या कहते हैं इसको, स्पिरिट समन जो यूज़ कर रहा हूँ, उसी का एक बॉस फाइट था जो तुम्हारा खुद का एक फॉर्म लेता है, तुम्हें उसे हराना पड़ता। उसके बाद एक ऐसा ग्रेस था उसे भी मैं एक्सेस नहीं कर पाया था। गेम में एक दूसरी चीज़ है जो लिटरली ऐसे ग्रेस की तरह ही दिखती है बट उसका कुछ और पर्पस है, एंड वो तुम्हारे इन्वेंट्री में होता है, मतलब तुम उसे ड्रॉप कर सकते हो, वैसे कहीं पे पड़ा हुआ नहीं होता है। लेकिन क्योंकि मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था तो मुझे लगा था कि कहीं वो ये तो नहीं है, ये देखो दूर से दिख रहा है कि तुम एक्सेस कर सकते हो बट पास जाता हो तो ई वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। मे बी हो सकता है कुछ और रीज़न हो, गेम आगे पार करने के बाद पता चल क्या सीन है। अभी अपना लेवल डेफिनेटली इतना है कि अपन एटलस प्लेटो पे जा सकते हैं, बट स्टार्टिंग में तुम्हारा लेवल इतना नहीं होगा तो गेम तुम्हें रोकने के लिए इसने टफ बॉस डाला है। उसके अलावा पक्का 3 समन्स भी दिए, तब भी ये थोड़ा सा टफ होगा, पक्का लिख के ले लेना अगर तुम स्टार्टिंग में करो ना, पहले तो बॉस को मारने के बाद। कैलिड वगैरह नहीं किया होगा तुमने, बस लिमग्रेव किया होगा, लुकारी एकेडमी किया होगा और फिर तुम सीधा इधर आ गए, तो फिर ऐसा हो सकता है तो ये थोड़ा टफ लगे, इसलिए 3 समन्स दे दिए उन्होंने। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे तुम्हारे पास ये पावरफुल मिमिक्स भी नहीं होगा, मिमिक्स नहीं पावरफुल स्प्रिट भी नहीं होंगे, तुम प्रॉबेबली ये यूज़ कर रहे होंगे, क्या कहते हैं उसको, अपना जेलीफिश या फिर वुल्फ, ये सब यूज़ कर रहे होंगे। प्लस प्लेटो आई थिंक अगर मैं इससे ज़्यादा तो ये मुझे यहाँ पे कहीं पे फेंकता, तो अभी मैं लिफ्ट ही एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। बस यहाँ पे कहीं पे अगर ग्रेस हो तो भाग गया। ऐसा कैसे कि इसने यहाँ पे कहीं पे लाके छोड़ दिया जहाँ से अपन आगे नहीं जा सकते, वो इस तरफ है रास्ता। यहाँ पे नए एनिमीज है, वी आर ऑब्वियसली गोना नीड द मैप, तो मैप उठाना फोकस होगा आज के एपिसोड। अपन को और ये वोल्केनो मैनर की तरफ जा रहा है ये रास्ता, वहां पे कुछ वो उठा लेते हैं। एश ऑफ वॉर सेक्रेड ओथ सीम्स लाइक अ होली डैमेज करने वाला कुछ है वो, रुइंस वगैरह। गोल्डन रोवा, नॉर्मल रोवा से थोड़ा अलग है ये, डिमग्रेव वगैरह में सिर्फ रोवा मिलता था। ओ भाई दूसरा दोस्त किधर गया, मैंने नोटिस किया हुआ कि इनके सारे अटैक मुझे रोक नहीं रहे, जैसे इसका इनका कोई पर्टिकुलर अटैक है जो मुझे स्टन कर रहा है 2-3 अटैक के लिए, तो ये हो रहा है क्योंकि मेरे पास 60 पॉइज है।
द मोमेंट मेरा जो इंड्योरेंस इतना मैंने 39 कर लिया है ऑब्वियसली एक ये चाम की वजह से 5 पॉइंट और डाल के वो 44 हो गया। तो इंड्योरेंस मेरा इतना है कि मैं 84 तक जा सकता हूँ बिना ओवरवेट किए। ड्यूपलोड मैंने रडान का आर्मर लगा लिया, आगे देखते इससे भी बढ़िया पॉइस वाला आर्मर। लेकिन मुझे लग रहा है पॉइस से ज़्यादा मतलब पॉइस तो होना ही चाहिए लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिश भी होना चाहिए आर्मर। रडान का आर्मर, फिर अपने वुल्फ का आर्मर, फिर अपना उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, क्रूसिबल नाइट का आर्मर काफ़ी बढ़िया। यार उसको नींद में पहनना था उसके। ये लूट चैरियट है ये इतने सारे जो पड़े हैं, जैसे किसी के अंदर कुछ ऐसा लूट वूट तो नहीं है ना, मैं मिस कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ पड़ा है, रूलर मास्क, रूलर रोप्स, ऐसा लग रहा है किसी एक के अंदर तो लूट होगा ही पक्का, इतने सारे पड़े इधर ना कैसे चलेगा, बट सबके पीछे जाके ई दबा के देख। ओए ओ भाई एंशियंट ड्रैगन लैनस एक्स को लास्ट एपिसोड में जिससे लड़े थे उसका भाई लग रहा ही है, एंशियंट ड्रैगन फॉरेस्ट एक्स का। ओके ये पहली बार नहीं था कि एक ड्रैगन भाग गया, इससे पहले अपन थ्री सिस्टर्स वो जो रानी ज़राइज रेनालाज राइज है वहाँ पे एक ड्रैगन मिला था जो भाग गया था, बट ये एक एंशियंट ड्रैगन था। तुमने देखा था ना फोर विंग्ड ड्रैगन, ऐसे ही ड्रैगन था लास्ट बॉस लास्ट एपिसोड का जो बॉस फाइट था। गोलम्स की डेड बॉडी पड़ी है यहाँ पे। जा सकते हैं क्या? लग रहा जा सकते हैं। प्रोबेबली डेथ है वो। रेबो स्टोन गिरा के देखते हैं। अगर ऐसे टूटने की आवाज है मतलब तुम गिरने पे मरोगे, अगर तुम्हारा स्टोन नहीं टूटा यानी कि तुम कूद सकते हो, तुम सेफ हो। अभी एक अच्छी चीज है गेम में क्योंकि एल्डन रिंग में ऐसे काफी लोकेशंस हैं जहाँ पे तुम्हें ऐसा मन करता है कि कूद के देखे वगैरह आइडेंटिफाई करने के हिसाब से।
भेड़िए कोई ग्रेस है, आई थिंक वो मेलिसेंट है। ग्रेस पॉइंट उठा लेता हूँ मैं पहले। अच्छा मेलिसेंट है ये, इसका साइड क्वेस्ट अभी बचा होगा क्योंकि इसका कुछ क्वेस्ट अपन ने जस्ट केलिड में स्टार्ट किया था। We meet again. In truth, it's been smooth sailing for me. The scarlet rot has stilled since last we met. As such, I've been able to continue my journey. Though rather vexingly, I realized that if I still had my sword arm, I could have aided you in battle. ओ, जो समन किया था अपन ने उसके पास सॉर्ड आर्म था। हाथ को क्या हुआ? Now I'm tracing the path Melania took. After unleashing the power of the Scarlet Rot during her battle with General Radahn in the Caelid Wilds, I should like to meet her. This vanished woman. I think she's in the north, in the lands that lie beyond the Erdtree. She's in the north, in the lands that lie beyond the Erdtree. Erdtree अपना इधर कहीं पे है तो, और इस तरफ कहीं पे बोल रही है वो। एंड क्या पता ये मेलिना को क्यों ढूंढ रही है। I'm tracing the path Melania she's passed. तो मेलिनिया एंड मेलिना दो कैरेक्टर्स हैं, नाम में कंफ्यूज मत होना। मेलिनिया कोई एनपीसी कैरेक्टर है जिसे अभी अपन तो मिले नहीं है गेम के, मतलब स्टोरी की कोई कैरेक्टर है। मेलिना जो है वो मेडन है जो स्टार्टिंग में आती है, अपन को हॉर्स देती है एंड फिर अपन को स्पेक वगैरह, स्पेक नहीं अपना जो स्टेटस ये है पॉइंट्स वगैरह डालने के लिए जो अलाउ करती है ना, क्योंकि जब तुम गेम स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे पास पॉइंट्स वगैरह जैसे स्ट्रेंथ में पॉइंट्स डालते हो, डेक्स में पॉइंट्स डालते हो, वो तुम डाल नहीं सकते हो, स्पेक नहीं कर सकते अपने कैरेक्टर को। वो सब करने का जो एक आती है ना जिसके एक आंख पे टैटू बना होता है एंड वो अपन को टॉरेंट भी देती है, उसका नाम भी मलिना है, मलिना एंड मलिनिया। अरे यार वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट स्टार्ट हो गया तो तेरी भाग गया रामी। Okay, he's dead. Death root, Tevia summons. I think ये death roots इनको मारने से ही मिलते हैं क्योंकि मैंने इससे पहले एक दो मारे हैं एंड से पहले भी मैंने ऐसे एक दो मराइनर्स को मारे एंड उनको मारने से डेथ रूट मिला था जहाँ तक मुझे याद है। डेथ रूट मिला है तो अपन को वापस उधर जाना पड़ेगा अपने बीस्टमैन के पास। स्टैचूज इधर पॉइंट करते हैं ना यूजुअली वहाँ पे डंजियन कुछ होता ही है। गाइड एंड गेट कीपर फॉर दोज रिटर्निंग टू रूट्स। मैप नहीं खोल पा रहा हूँ क्योंकि अभी तक एनिमीज का एग्रो है मेरे ऊपर।
तरफ कहीं पे केव होगा। ये इल्यूजन वॉल लग रहा है क्लियरली। देख कैसा लग रहा था, इल्यूजन वॉल है। इस तरफ कहीं पे बता रहा है एंड मैं कहीं और ही जा रहा हूँ। कौन सा लोकेशन है सामने? अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। चर्च था, एक चर्च के अंदर यूजुअली सैक्रेड टीयर मिलता है। सैक्रेड टीयर से तुम तुम्हारा जो हीलिंग पोटेंसी है उसे बढ़ा सकते हो। बेसिकली एक बार ड्रिंक करने पे कितनी लाइफ हील होगी वो पूरा। इतना बड़ा रूइन है, मुझे लग रहा कुछ अंडरग्राउंड लोकेशन होना चाहिए ना। I was expecting more than 3 skeletons, इसलिए मैंने ruins great sword निकाला, but 3 ही थे, मुझे लगा बहुत सारे निकल के आएंगे। Aldric talisman, काफी time बाद कोई talisman, greatly boost non-physical damage negation, non-physical damage negation, यानी कि greatly boost है, यानी कि मैजिक वैजिक एंड एलिमेंटल डैमेज वगैरह। ओके, कोई पर्टिकुलर बॉस आता है उस टाइप का तो मे बी इट विल बी यूजफुल। एलिसेंट, आई गेस अपन को डेक्टस जाके डेक्टस एक्टिवेट करना चाहिए एंड वो देखते हैं अपन को किधर निकाल के फेंकता है एंड फिर अपन मैप फ्रेगमेंट हंटिंग करेंगे। फिर अगले एपिसोड से ये जो एरिया है इसे पार करना। एक्चुअली अपन को लिंडल कैपिटल की तरफ जाना है। ओ भाई, मेडालियन बस इसे उठा के दिखाने से लिफ्ट स्टार्ट हो जाएंगी क्या? मतलब कहीं पे सॉकेट वॉकेट में डालना पड़ेगा। एक्चुअल एनिमेशन था, मुझे लगा नहीं था एनिमेशन होगा, ऐसा कट सीन होगा। आई मीन या वो पूरी जगह ऊपर जा रही है। ये मैं जब यहाँ पे पहली बार आए थे तब भी बताया था, मुझे लग रहा है ये पूरा लोकेशन ही एक लिफ्ट है।
एटलस प्लेटू, मुझे लगा ही था अपन इस तरफ कहीं पे आएंगे। उस तरफ अगर मैं जाऊं तो अपन वो लोकेशन पे पहुंचेंगे जो अभी अपन एक्सप्लोर कर रहे थे। दो गोलम्स ही अटैक करने वाले क्या मेरे पे? देख के तो लग रहा है ये फ्रेंडली है नहीं बिल्कुल। अभी कमजोर रही है ये वाला, उतना कमजोर नहीं है। स्टैमिना स्टैमिना गैस। अगर जस्ट ये रोड को फॉलो करूं तो पहले ये वाला लग जाएगा, एट स्ट्रीट जा। एक सेकेंड, ये ऐसा कुछ इसे उठाया था, ट्रिपल मैप शो किसी इससे खरीदा था मैंने वेंडर से। रिंग द लोकेशन ब्लैक नाइफ प्रिंट एग्जाम है। ये नहीं, ये नहीं, ये वाला रोजियस लेटर ये था शायद। अ सिंपल बैडली वेदर्ड मैप लेफ्ट डिस्कार्ड एंड फॉरगॉटन फॉर सम टाइम डेपिक्स स्ट्रीक्स ऑफ एम्बर लाइट। ये बाजू वाले जो बड़ा ब्रिज है ये यही लग रहा है, एक ब्रिज जो एक स्मॉल रोड की तरफ जाता है, बट उसके ऑपोजिट साइड में लाइट, आई थिंक यहाँ पे लाइट वाइट गिर रही है, तो मुझे लग रहा है अपन जहाँ पे मैप लेने जा रहे उसी एरिया के आसपास हो। बीचों बीच स्टैचू भी बना के रखा है, द कैंप साइट देयर। आई थिंक एपिसोड अपना बड़ा हो चुका है, आप मैप उठाने पे फोकस करते हैं। अगले एपिसोड में ये पंपकिन नाइट्स वगैरह नॉर्मल एनिमीज ही लग रहे हैं, बस यहाँ के नाइट्स है थोड़े से अलग कपड़े इनके। वो ये है क्या लिंडल कैपिटल? यप, उसके पीछे वो ट्री दिख रही है तुम्हें, पक्का वही लिंडल कैपिटल है। अच्छा, उसी की तरफ तो ये मोटा सा ब्रिज जा रहा है, एंड अपना अगला मैप का फ्रैगमेंट भी उधर ही है। okay, मैं कैपिटल के अंदर जाना चाहता हूँ, ये श्योर नहीं हो फिलहाल अभी। बढ़िया, अब मुझे चार लगेंगे एक एक फ्लास्क अपग्रेड करने। गोल्डन सीड, मेरे पास कितने गोल्डन सीड है? पाँच हो गए होंगे शायद, पाँच हो गए। दो या तीन एपिसोड पहले चार आ गए थे मेरे पास, अभी तक अपग्रेड करना भूल गया मैं। ओके, वी गॉट अ माइनर ट्री, फिंगर रीडर, केव जैसा कुछ होगा यहाँ पे। दिस इज प्रोबेबली लिंडल कैपिटल। यहाँ का मैप किधर है? वो इस तरफ है, इस वो वाला मैप अपन को उठा, लेफ्ट साइड वाला पूरा एरिया कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने पास टाइम है तो वो आसपास के जो छोटे से कैंप साइट से उसे अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रेस है वो उठा लूँ फटाक से। देखो मेरा टोटल 11 फ्लास्क है, लेकिन एक मैंने ब्लू वाला रखा है क्योंकि अपन बीच बीच में वो एबिलिटीज यूज करते हैं।
जब तुम सॉसर वगैरह बिल्ड बनाते हो ना तो तुम्हें ज्यादा लगते हैं ब्लू वाले। ओ भाई बंदे से कम on bombing stone। लोग ये टरेन लेके किस तरफ खड़े हैं? अच्छा आई थिंक आई गॉट एन आइडिया कि ये क्या कर रहे हैं। अगर अपन वो दूसरे लोकेशन से आते हैं ना, या ये वाला लोकेशन देखो, यहाँ से आते तो ये लोग टरेन वरेन लेके खड़े थे अपन पे अटैक करने के लिए। सीम्स लाइक दैट्स अ लूट चेस्ट। ओके उनके साथ स्कैम हो गया। इधर नहीं, सामने से होगा। वेपन के अंदर से वेपन ही निकलते हैं हमेशा। ट्रोल्स गोल्डन सॉर्ड, मेरे पास ट्रोल नाइट्स सॉर्ड था क्योंकि एक इंटेलिजेंस 18 चाहिए था। आई थिंक ये इसी का वर्जन है, बस इसमें इंटेलिजेंस एम्ब्यून है। 55 + 66 100 DD 9 10 20। एक के तो पूरा सेम वही लग रहा है, बस गोल्डन है क्या? ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रस्ट हो गया है और बचा हुआ हैंडल की तरफ थोड़ा सा गोल्ड है। है क्या वैसे? ये कोलोसल सॉर्ड है। एनीवेज अपन अपने रुइन सॉर्ड की तरफ चलते हैं वापस। गेम में ऑप्शंस तो काफ़ी सारे हैं बट इनको अपग्रेड मुझे लग रहा है आगे कुछ तुम्हें देखो तुम्हें बेल बियरिंग्स मिलती है जिससे तुम अपने राउंड टेबल में जो NPC उसको बेल बियरिंग दे सकते हो। एंड फिर वो जैसे स्मिथिंग स्टोन बेल बियरिंग ऐसा नाम से होता है। एंड फिर वो उस पर्टिकुलर टाइप का स्मिथिंग स्टोन अनलिमिटेड सप्लाई करते हैं, बस तुम्हें रुइंस देके खरीदने होते हैं। तो मुझे लग रहा है आगे अपन को और गेम के एंड में और बेल बियरिंग्स मिलेंगे जो तुम्हें अपर लेवल यानी कि लेवल 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 वगैरह के स्मिथिंग स्टोन्स एंड सॉम्बर स्मिथिंग स्टोन अनलिमिटेड खरीदने का ये कर देगा। लेकिन उसको पहले ढूंढना पड़ेगा अपन को। तो दो दो है क्या यहाँ पे वेपन्स? टैलिस्मैन, बूस्ट गार्डिंग एबिलिटी, और कितना गार्ड करूँ? मेरे पास ये जो गेम की स्टार्टिंग से ये वाले यूज़ करते हुए आ रहा हूँ बैरिकेडेड शील्ड एबिलिटी, काफ़ी सही लगता है। और बूस्ट करूँगा तो सामने वाला काफ़ी कम, मुझे लग रहा है ग्रेट शील्ड वगैरह के साथ काफ़ी सही वर्क करेगा ये टैलिस्मैन। अरे एग्जैक्टली तरफ क्या एक बार देख क्या है। केव कौन सा?
This is just a connective cave type. We got a boss fight in on our hand. अभी भी पीछा कर रहे हैं क्या? गोल्डन लिनिएज क्या ये मैं अभी करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स पड़े कर लेते हैं क्योंकि इसमें अगर तुम मरे भी ना तो भी तुम्हारे पॉइंट्स बाहर ड्रॉप होते हैं तो यू कैन काइंड ऑफ पिक इट अप. समन यूज नहीं कर सकते अपना. गॉड फ्रॉय द ग्राफ्टेड मैंने पूरा यूज नहीं किया. ये गॉडफ्रॉय जो ग्राफ्टेड जो था ये मैं बता दूं गॉडफ्री के जो बेटे थे गॉडरिक द ग्राफ्टेड उसी का भाई था ये एंड गॉडविन भी इनका ब्रदर था. तो गॉडविन गॉडफ्रॉय एंड गॉडरिक लेकिन ये एक्चुअल गॉडफ्रॉय नहीं थे ये उसका स्पिरिट फॉर्म पता नहीं यहाँ पे एक्चुअल होते. ये देखो ये जो लोकेशन है ना इसको जेल टाइप का माना जाता है. अब ये एक्चुअल भी था तो इसको कैद करके रखा था फॉर सम रीजन. टाइम टू गो बैक कराने के कितने मिले मैंने ध्यान नहीं दिया. आई गेस अटैक पैटर्न्स वगैरह इसके सिमिलर थे उसके जैसे. एक्चुअली कम अटैक अटैक्स थे इसके बाद. Quella's Lily. तू ऊपर कोई बैठा है क्या? जायंट बैठा हुआ लग रहा है ना तुम्हें दिख रहा है? तू ऊपर कि वो उसे लग रहा है कि उधर कोई बैठा हुआ है. नहीं बैठा नहीं है उधर से ऐसा ऐसा फ्लैग टाइप का लटका हुआ है एंड वो ऐसा लग रहा है वो सिंबल की वहां पे भी बैठा हुआ है. नहीं नहीं ऐसा लगा लिटरली कोई जायंट वायंट बैठा हुआ है एंड वो वहां से अब एरो एरो मारेगा मेरे पे.
भी अपना एंट्रेंस है क्या? और घूम फिर के एंट्रेंस पे आ गए अपन आफ्टर डीसी। एनीवेज फिर आज का एपिसोड यही पे रैप अप करते हैं। ये तो अपन को नीचे लेके जाएगा ना। वॉक द सीमस्टर, ये वही बंदा है जो तुम्हारे गारमेंट्स वगैरह अल्टर करने में मदद, मुझसे भी कर सकते हैं जिससे भी करवा सकते हैं। जरा मैं लेवल अप कर लूँ पहले। 93,000 ओके, एक पॉइंट आ जाएगा। एंडोरेंस मेरा हो चुका है, मैं 40 पे नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा काम चल रहा है रडान के ये आर्मर से। तो जब तक मुझे कोई नया आर्मर या कोई नया हैवी वेपन, मुझे नहीं लग रहा अब इससे ज़्यादा 23 से ज़्यादा हैवी शायद ही कोई वेपन्स होंगे। अभी अपना फिलहाल काम हो चुका है, स्टैमिना का भी हो चुका है, वेट का भी हो चुका है। अभी स्ट्रेंथ को बम्प अप करने वाला हूँ 50 तक, ये बार डिसाइड करते हैं कहाँ पे पॉइंट। मे बी विगर को भी मैं 50 कर लूँ सोच रहा हूँ। Bok the Seamster, are you, sir, ready to make adjustments to your go- Master, my apologies. Your wardrobe includes the garb of the old demigods, and I'm afraid I can't make adjustments to them. My mum told me once that a royal seamster would do them up in a jiffy. Just wait, Master. Before long, I'll be that good too. Give the golden sewing needle. ये मुझे कहाँ से मिला था? मुझे याद नहीं है। Is that a gift from my undeserving self? Thank you kindly. But what on earth could it? Oh, amazing! I've never seen a golden needle. Not in all my life. With a spectacular royal crest to boot, are you certain that this is for me? Oh, I can hardly believe it. Have faith in me, Master. I'll polish my craft enough that I deserve this golden gift. I'll be the golden seamster, Bok. Now I'll be able to sew anything, even the threads of the demigods. Do you think that Mum would be pleased if she knew that I'm as good as any royal seamster now? Oh, it's still not enough. I need to learn how to sew from scratch like her. अभी बोला ही अल्टर कर सकता है गारमेंट्स, बट आई थिंक रनाला के गारमेंट्स में भी अल्टर कर सकता हूँ, बट कुरडान के भी कर सकता है। बेसिकली तुम्हारा केप हट जाएगा, देखो वेट थोड़ा कम हो रहा है, स्टैट्स भी कम हो रहा है, पीछे से केप हट जाएगा। तुम्हें केप अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, मुझे केप चाहिए रडान का। ये बेसिकली वेट भी कम कर देता है, ये देखो मैं वजन वगैरह थोड़ा सा कम करना। उसके अलावा मुझे कोई मेन रीज़न नहीं दिखता इसको अलग से गारमेंट्स अल्टर कराने का। फिर नीचे दिखता है अल्टर होने के बाद कैसे दिखेगा वो, क्योंकि हमेशा से लगा है कि अल्टर कराने के बाद गारमेंट और बेकार दिखने लगा। Master, may I ask you something? Would you mind if I called you Lord? I heard that you and the other tarnished seek the throne of the Elden Lord. Well, I know that you will be the one, and you'd make just the manner of kind-hearted lord that I'd wish for. So please, if you allow me to call. Phone call. ये मुझे पता नहीं, literally कुछ effect पड़ेगा क्या? You don't say. Thank you, thank you, my lord. Please become Elden Lord, and please let I, Bok the Seamster, remain at your side. Going already, my lord. Please do be safe on your. Okay, I don't know कि इसका ये जो छोटे-छोटे missions हैं ये कहीं पे अपन को ले जाता है क्या? Seems like more of a कि तुम अपना garments alter कर सकते हो, लिए इसको बनाया गया शायद। अप टू मेलिना, ये पहले नहीं था।
ये अगले एपिसोड के स्टार्ट में करेंगे। एपिसोड अभी ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, अभी ये कुछ स्टोरी इंपॉर्टेंट स्टोरी के बारे में कुछ बताएंगी तो मैं ज़्यादा उसे कॉम्प्रिहेंड करने में टाइम नहीं गंवाना चाहता। अगले एपिसोड के स्टार्ट में करेंगे। बाकी आई डोंट नो, मैं सोच रहा हूँ इस तरफ जाऊँ, ये वाला मैप फ्रैगमेंट उठाऊँ ताकि लेफ्ट वाला कंप्लीट हो जाए, फिर मे बी अपन वोल्केनो मैनर कर सकते हैं, ये वाला एरिया कर सकते हैं, ये सब जो लोकेशन है ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं सोच रहा हूँ ये लिंडल कैपिटल की तरफ आगे बढ़ो। दैट सीम्स लाइक द बेटर चॉइस। यहाँ पे कौन है? ब्लैक गार्ड। अच्छा ये वही बंदा है जो अब अपन को ऐसा समन ऑप्शन आया था, तुम्हें याद है वो फाइट के बाहर, मैग्मा वर्म के फाइट के बाद समन ऑप्शन, ब्लैक गार्ड, टारगोट एंड मेलिना, ये तीनों आए थे। मेलिना नहीं, मेलिसेंट, सॉरी रीडर। ओके एनीवेज अपन नए लोकेशन का स्टार्ट कर चुके हैं, अगले एपिसोड में पूरा बूम बाम होने वाला है। ये माइनर अर्ट्री इसको मारेंगे, यहाँ पे क्या है ग्रीन ग्रीन कलर का पॉइजन लेक लग रहा है, एंड फिर ये मैप फ्रैगमेंट उठाएंगे एंड प्रॉबेबली उसके नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट एपिसोड में वोल्केनो मैनर अपन स्टार्ट करने वाले। आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।